सो आई फाइनली हियर। चलो तो मैंने विंडो लॉक कर ली है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये लिया है हमने हमारा जापानीज टैरो। जोर से हवा चल रही है, शायद बारिश आएगी आज बहुत तेज़ी से, लग तो रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हाल है? आई होप कि सर सभी बढ़िया होंगे हाल। ठीक है, चलो देखते हैं हमें जापानीज टैरो क्या बताता है। ओके, ये आ गया पहला का जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यस, शादी का ये बेहतरीन कार्ड, और क्या कहे इसके लिए, है ना। दूसरा कार्ड जो आ गया है, देखो ये क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, चलो वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। थर्ड कार्ड चुनते हैं जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, फोर्थ कार्ड जो आ गया है टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुछ तो चल रहा है। और फिफ्थ कार्ड लेते हैं जो कि है द स्टार। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारे सामने ये पाँचों कार्ड आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये पाँचों कार्ड हमें क्यों मिले हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, है ना, क्या कारण है कि ये कार्ड्स हमें मिले हैं। तो करते हैं अब इसको क्लेरिफाई। ओके, ले रखे हैं हमने यहाँ पे कार्ड्स, ऐसा करते हैं शफल। सबसे पहले देखते हैं कि हमें फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिला इस रीडिंग में, है ना। काफ़ी लोगों को अगर लग रहा है कि भाई कोई कमिटमेंट दे चुका है या फिर किसी ने कमिटमेंट तोड़ दी है, तो ये रीडिंग किसके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा, है ना। देखते हैं कि हमें यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिला है आखिरकार, क्या है उसकी एग्जैक्ट वजह, है ना। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, चलो फाइनली तीन कार्ड आ चुके हैं, हम तीनों कार्ड लेंगे। ठीक है, देखो ये कार्ड हमें रिवर्स आ गए हैं, ये डेक जो है वो स्ट्रेट है। ठीक है, एज यू कुड सी डेक स्ट्रेट है, बट ये कार्ड रिवर्स आ गए हैं। ये जो है वो है जजमेंट, रिवर्स में हमें मिला है। ठीक है, फिर मिला है रिवर्स में थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एंड फिर मिला है हमें रिवर्स में पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो सारे कार्ड्स है वो हमें मिल चुके हैं, एंड यू कुड जस्ट टेक अ लुक एट दैट। तो देखो ये हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। अगर हम बात करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के लिए, सबसे पहला कार्ड जो मिला है वो है जजमेंट रिवर्स, यानी कि भाई डाउट है, पनिशमेंट है, एंड डिस्ट्रक्शन है, है ना। आप पढ़ सकते हैं देखो, कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में डाउट आ रहा है। ठीक है, डाउट मतलब क्या है कि भाई जो इसने सोच रखा है एंड उसकी जो सोच चलती है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं दोपहर के टाइम की, तो जो मन के हालात होते हैं कि भैया सच में मुझे वो सब हासिल होगा जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने शुरुआत की थी एक बहुत ही अच्छे रिश्ते की, क्या वो आगे बढ़ पाएगा। देखो हालात जो होते हैं ना, वो कई बार आसान लगते हैं, लेकिन अचानक से हालात जो है वो कई बार बेकाबू हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में हम तय नहीं कर सकते कि भाई एग्जैक्टली हमें क्या होगा और क्या मिलेगा। आई थिंक रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक आई थिंक अबोव 50 साल के एक व्यक्ति की शादी हुई थी, आई थिंक अब 225 वगैरह काइंड ऑफ एज के वुमेन की, लेकिन शादी के दो महीने बाद ही जस्ट कमिटेड सुसाइड, यू नो, काइंड ऑफ सम इश्यूज। सो कैसे इंसान को क्या फील होता है एंड कैसे उनका मन बदलता है, क्या वो इतने ही स्ट्रांग रहते हैं या फिर उनके मन में परिवर्तन होता है, ये कोई भी नहीं कह सकता, है ना। तो यहाँ पे जो आ गया ना कि डाउट है एंड पनिशमेंट है डिस्ट्रक्शन की, भाई क्या ये इसको लग रहा है कि भाई कि जो आपने जो इनसे आपने वादे किए थे और जो इन्होंने आपसे वादे किए थे, अगर वो उनसे मुकर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब इनको सज़ा मिलनी चाहिए उस बात की कि भाई इन्होंने आपको परेशान किया, झूठे वादे किया, फिर आपका फ़ायदा उठाया, यू नो। अगर ऐसी चीज़ यहाँ पे चल रही है तो या तो उसको लग रहा है कि भाई अगर ऐसी बातें नहीं हो रही हैं, अगर आप इनसे दूर जा रहे हो, मान लो इनसे भी अच्छा आपके ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, मे बी बहुत अच्छा करियर आपको मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है, और इनका ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो शायद उनको लग रहा है कि भाई मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ। तो ये मुझे ऊपर वाले से मिलने वाली एक तरह की सज़ा है, मुझे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, है ना। जजमेंट ये हमें रिवर्स मिला था, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार इंसान की जो फितरत होती है वो बदलने में देर नहीं लगती, सेकेंड्स में इंसान को पता लगता है कि भाई उसने किसके साथ बुरा किया है एंड उसका अंजाम क्या हो सकता है। सेकेंड कार्ड जो मिला है यहाँ पे, देखो ये है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये भी रिवर्स में आ चुका है, जिसका मीनिंग निकलता है ऑब्स्टैकल्स, डीलेज एंड फ्रस्ट्रेशन, है ना। ये कार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सिंपल हैं। इसको लग रहा है कि भाई अब मेरे ज़िंदगी में ना ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, मतलब इश्यूज़ लगातार आ रहे हैं और ये सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वन बाय वन इतने इश्यूज़ आ रहे हैं कि अब मैं कैसे इन इश्यूज़ को हैंडल करूं अकेले, वो समझ में नहीं आ रहा है। जो प्लान्स उन्होंने बनाए थे वो डिले हो रहे हैं, और मतलब तारीख पे तारीख कहते हैं ना, वैसा कुछ हो रहा है। एंड अब इनके ज़िंदगी में
फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बढ़ रही है कि भाई क्या करूँ मैं एग्जैक्टली, कैसे हैंडल करूँ इन सब चीज़ों को, कैसे मैं सब यू नो इन चीज़ों को हैंडल करूँ, ये उनको नहीं पता रहता। ठीक है, थर्ड जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये भी रिवर्स में है। देखो यहाँ पे है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ओवर सेंसिटिविटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। शायद ये पर्सन ओवर सेंसिटिव है या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो। मतलब अगर इन्होंने कॉल नहीं किया और आप डिस्टर्ब हो गए, या फिर आपने कॉल नहीं किया और ये डिस्टर्ब हो गए, तो ये देखो चलेगा नहीं। आजकल के ज़िंदगी में हमें इतने इश्यूज मिलते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, दिखने में आपको हट्टे कट्टे लग सकते हैं, लेकिन दिल उनका इतना नाजुक होता है कि छोटा सा भी वार वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए कई लोग होते हैं जो प्यार में पड़ते ही नहीं, और जो पढ़ते हैं वो अपने प्यार को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, है ना। वही बात यहाँ पे आ रही है, रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज हैं तो ओवर सेंसिटिविटी भी है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है यहाँ पे। तो अब ये पर्सन इसको कैसे डील करेगा ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फोर ऑफ वांड्स, देखो करीब आना एंड करीब आने की कोशिश करना एंड करीब आने का नाटक करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैरिफाई हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड हमें क्यों मिला है, चलो देखते हैं इसको शफल करके। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स ये कार्ड मिला, देखते हैं और एक कार्ड हमें मिलता है क्या। ठीक है, सिर्फ एक और कार्ड लेंगे अगर मिलता है तो। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये यहाँ पे कार्ड आ गया, मैं लेता हूँ यहाँ पे कार्ड। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे इसलिए आ गया है बिकॉज यहाँ पे दो कार्ड्स क्लैरिफाई आ गए हैं, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दोनों कार्ड्स क्या कहते हैं, न्यू बिगिनिंग, चेंज, न्यू लव, एंड यहाँ पे हैं मेकिंग प्लान्स, ट्रैवल, न्यू आइडियाज़। कहीं ना कहीं भी पर्सन योजनाएं बना रहा है कि भाई चलो ठीक है, एक योजना सफल नहीं रही, असफल हुई तो मैं दूसरी योजना बनाता हूँ। मतलब ये शांत बैठने वालों में से नहीं है, वो कोशिश कर रहा है कि नए तरीके ढूंढ निकाले या फिर नया मुकाम हासिल करें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कहीं दूर चला जा रहा है, इसकी ज़िंदगी में कोई नया प्यार आ चुका है, कोई थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट न्यू लव। ठीक है, कई लोग होते हैं जो भागते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भी मेरा मन नहीं भरा, फिर जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है। ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन आपके लिए उतना परफेक्ट ना हो और यूनिवर्स इस पर्सन को आपसे दूर धकेल रही है, इसलिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिला है। एंड टू ऑफ सॉर्ड्स तो भाई ट्रैवल तो है यहाँ पे, तो दोनों कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजोनेट और मैच परफेक्टली हो रहे हैं। थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं, यहाँ पे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड हमें क्यों मिला है। ठीक है, अब देखो मैं हर एक कार्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, इसलिए इसमें से कौन सा कार्ड का मीनिंग आपके साथ रेजोनेट करता है एग्जैक्टली, बहुत कम, थोड़ा बहुत, मीडियम, ये आप खुद देख लीजिए। ठीक है, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो देखते हैं भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमें कार्ड क्यों मिला है। ठीक है, ओके, ये हमें तीन कार्ड्स मिले हैं, हम तीनों कार्ड्स लेंगे। देखो भाई, पहला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्स में आ चुका है। क्या है ये भाई, यहाँ पे है स्टैंड स्टिल, ओके, डिफिकल्टीज एंड एक्सक्लूजन्स। सेकेंड जो कार्ड आ गया है किंग, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी है रिवर्स में। यहाँ पे है इम्पेशंस, एंगर एंड आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन नेक्स्ट जो कार्ड है वो एक्चुअली यहाँ पे आ चुका है द स्टार, जो कि यहाँ पे स्ट्रेट आ गया है, फेथ, होप एंड फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या सच में मैं इस रिश्ते के लिए वेट कर सकता हूँ। अगर आप दोनों ही समय ले रहे हैं अपना अपना, ठीक है, किसी भी कारण से, शायद आप अपने हालात से जूझ रहे हैं या फिर किसी चीज़ से, स्पेसिफिकली कमिटमेंट से आप डर रहे हैं कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अभी मैं हाल ही में कोरियन सीरीज़ देख रहा था जिसमें क्या होता है कि एक कपल का डिवोर्स होता है, वो इसलिए डिवोर्स करते हैं, उनका लगता है कि भी हमारे बीच मतलब इतना ज़्यादा कुछ मैच नहीं है, हम दोनों ही अलग हैं, हालांकि दोनों ही डॉक्टर होते हैं, तो दोनों डिवोर्स करते हैं। लेकिन जिसका डिवोर्स होता है लड़की का, उसी की बहन, और जिसका डिवोर्स होता है भाई, उसी का भाई, उन दोनों का आपस में हो जाता है। मतलब डिवोर्स दोनों जो लोग हैं उन्हीं के भाई बहन आपस में मतलब प्यार कर बैठते हैं। ठीक है, अब वो एग्जैक्टली अपोजिट या फिर एक्स इन लॉज हैं, तो लड़का जो है वो पहल करता है, कहते हैं कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, लड़की डिनाई करते, लेकिन फाइनली वो महसूस करते कि नहीं, मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती, इम्पेशेंस। फाइनली वो इस वर्ड का मतलब समझ जाती है। ठीक है, कई बार हमें गुस्सा आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो ये व्यक्ति जो है वो कुछ समय ले रहा है फिलहाल, तो स्टैंड स्टिल, मतलब कि भाई मैं बस शांत खड़ा रह रहा हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या। देखो, अगर डिफ़िकल्टीज आ रही है और अगर गुस्से में आके उसने कुछ कह दिया तो क्या होगा, इसके परिणाम इसको नहीं पता एंड आपको भी नहीं पता। अगर ये झगड़ालू है या फिर आवेश में आए कुछ बोल देता है तो शायद चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, और इसलिए पर्सन थोड़ा सा शांत रह रहा है।
हालांकि ये जो कार्ड है स्टार, यहाँ पे हमें फेथ दिख रही है, आशाएं दिख रही है, फॉर्चून की भी चीज़ें सही हो रही है एंड हो सकती है, बस इसको फिर इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई यस आई एम रेडी टू वेट, एंड कुछ लोग होते हैं नहीं कहते कि भाई नहीं भैया आई एम नॉट रेडी टू वेट, मैंने पहले ही बहुत समय दे दिया है ना। बिकॉज काफ़ी लोगों का जो रिश्ता है वो कुछ सालों से चलता रहता है, तो आप जस्ट इमेजिन कर लो कुछ साल एंड फिर और आप साल गिन लो, इतना पेशेंस लोगों में नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं टू ऑफ सॉर्ड्स, ये हमें कार्ड क्यों मिला है, करते हैं इसको शफल। देखो टू ऑफ सॉर्ड्स में जो एनर्जी आती है वो बेसिकली कि भाई क्या आप एक दूसरे में देखते हो, या फिर आपको लगता है कि भाई एग्जैक्टली सामने वाला जो पर्सन है वो आपको ही कॉपी कर रहा है, या फिर जो आप फील कर रहे हो प्यार वो भी उतना ही प्यार फील कर रहा है। देखो यहाँ पे जो दो कार्ड आ गए हैं दोनों ही रिवर्स में आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो है जस्टिस, यानी कि अनफेयरनेस, गिल्ट एंड पनिशमेंट, दिल है कि मान ही नहीं रहा। ओके, एंड ये जो कार्ड है वो है इनडिफरेंस, डिसअपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। देखो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इस व्यक्ति की बहुत ख्वाहिश है आपके साथ आगे बढ़ने की, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं मुझे रुकना चाहिए। फिर देखो हालात जो है वो इसको रोक रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, उसे शायद लग रहा है कि ये आपको गुमराह कर रहा है, फिर फंसा रहा है, या फिर कि भाई पता नहीं अब और कितना समय लग सकेगा, है ना। मान लो अगर अपनी फैमिली को बोल रहे हो कि थोड़ा और वेट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो, वो भी कितना वेट करेंगे। या फिर एग्जैक्टली इस व्यक्ति को भी नहीं पता कि अगर इसका फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है वो कब सही होगा, उसका सिविल स्कोर कब अच्छा होगा, उसको लोन्स कब मिलेंगे, या फिर उसका ईएमआई कंप्लीट कब होगा, उसको जहाँ से पैसे आने हैं वहाँ से कैसे पैसे आएंगे, उसका जो बिज़नेस है जो ख़राब था वो कैसे आगे बढ़ेगा, यू नो। तो इस व्यक्ति को इस बारे में सिचुएशनल डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने जब प्यार करना शुरू किया था तब उसने सोचा नहीं था, सोचा था बट इतना कुछ होगा ये नहीं सोचा था। ओके, लग रहा होगा कि ठीक है थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब फैमिली फोर्स करती है, लोग कुछ कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करते, कोई है क्या ज़िंदगी में, और आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो फिर बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते। इसलिए लग रहा है कि भाई एग्जैक्टली इस पर्सन ने क्या करना चाहिए, खुद के ऊपर ये डिसअपॉइंटेड है कि भी मैंने ये क्या करा है, मुझे क्या ये सच में करना चाहिए था। तो शायद उसे लग रहा है कि आपको लेट गो करें, कि आप जाओ, आप मेरे लिए मत रुको, आपको अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, अच्छी ज़िंदगी जियो। लेकिन कहीं ना कहीं मन कह रहा है कि नहीं, मैंने तो भी अपनी तरफ से अच्छा सच्चा प्यार किया है, तो मैं क्यों आपको जानने दूँ सिर्फ हालात की वजह से। बिकॉज देखो अगर आप कल को किसी और के साथ भी अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, उसके ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या होगा आपको नहीं पता, है ना। तो ये बात जो है इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। नेक्स्ट और फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि है द स्टार, उसके बाद देखेंगे ये ओरेकल। ठीक है, स्टार हमें क्यों मिला है। देखो स्टार जब आता है कार्ड तो इंसान को होप बहुत आती है कि जो कोई बात नहीं, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हालात जो है वो आज नहीं कल तो ठीक हो जाएंगे, है ना। वो बात है, आई थिंक हेरा फेरी में एक था कि पैसे आज नहीं कल है, कल नहीं तो पैसे परसों तो है ना। तो आई थिंक वो डायलॉग था, लेकिन आज तो ज़रूरत है ना, तो कल के लिए क्यों वेट करें, ऐसा कुछ तो डायलॉग था। बहुत मतलब एक टू द पॉइंट वो एक डिलीवरी सिस्टम थी उस मूवी में, बट ये जो कहा था वो बहुत बढ़िया था। ठीक है कि आज अगर पैसों की ज़रूरत है तो कल क्यों हम वेट करें, है ना। तो वही बात हो रही है। देखो यहाँ पे एक कार्ड स्ट्रेट एक कार्ड रिवर्स आ गया है द स्टार के लिए, जो कि क्वीन ऑफ कप्स स्ट्रेट एंड टू ऑफ कप्स रिवर्स, दोनों ही वाटर साइन है। देखो यहाँ पे एम्पैथी, सेक्रीफाइस एंड पेशेंस, एंड दूसरा है यहाँ पे जो कि है ट्रस्ट इश्यूज, इम्बैलेंस एंड टेंशन। कहीं ना कहीं अभी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद आपके दिल में इनके बारे में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने खुद ही ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट किए हैं। शायद वो किसी और टाइमिंग पे किसी पे मिल किसी से मिलता है, किसी से बातें करता है, आपको शायद ठीक से जवाब नहीं देता, तो आपके मन में शायद ऐसे सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन ने जानबूझ के ऐसा व्यवहार किया है ताकि आपको टेंशन आ जाए। ठीक है, हालांकि ऐसा क्यों है, तो शायद ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्यार को, हो सकता है। बिकॉज देखो इसको लग रहा है कि अगर मेरे हालात जो है वो अगर सही नहीं हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो शायद अगर आप वैसे इनको लेट गो नहीं करोगे तो शायद वो कुछ कर रहा है कि भाई एटलीस्ट इस बात से तो आप चिढ़ोगे, परेशान होगे, है ना, आप चिढ़ जाएंगे एंड आगे मूव ऑन करोगे। बट दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि भाई मुझे समझो, यू नो एम्पैथी है यहाँ पे, तो मुझे समझो, मुझे महसूस करो, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ ना वो आप महसूस करो। बट आप खुद ही सोचो, जिससे आप प्यार करते हो क्यों आप सोचोगे कि वो आपका दर्द महसूस करे,
उल्टा आप उसका दर्द महसूस करेंगे। तो ये चीज़ें ना इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्द बनी हुई है कि भाई क्या कहें और कैसे कहें। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो कि है हमारा ये ट्विन फ्लेम ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे है पहला कार्ड जो कि है एनहांसमेंट। देखो ये पर्सन ना अपना जो वर्जन है आपके सामने एनहांस करना चाहते हैं कि भाई देखो अगर एग्जैक्टली आपको वेट करना है कितना वेट करना पड़ेगा। मान लो आप मान के चल रहे थे कि चल दो दिन, शायद वो कहेंगे नहीं आपको 4 दिन 4 महीने भी वेट करना पड़ सकता है, क्या आप रेडी हो? तो उनका खुद का एक वर्जन वो आपके सामने रख रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड आ गया है देखो यहाँ पर है सेक्सुअल फैंटेसी, ठीक है। हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, सेक्सुअल फैंटेसी है यहाँ पे, ये महसूस करते हैं, फील करते हैं, आपको बताते हैं। मे बी आपने बहुत सारी बातें फ़ोन पे कही हो, पर्सनली मिले हो, बट अब इसका क्या, इसके आगे क्या, ये उनको समझ में नहीं आता। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है देखो वो है मेडिटेशन, ठीक है। तो इस व्यक्ति को ना प्रैक्टिकल कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब प्रैक्टिकली अगर दोस्त कुछ बोल रहे हैं वो अलग हो रहा है, फैमिली कुछ बोल रही है वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी वो दुनिया को देखते हैं तो कुछ अलग ही महसूस होता है। तो आप दोनों के बीच क्या होना चाहिए एग्जैक्टली अभी, ये इनको लोगों को देख के पता नहीं चल रहा है। ये तो ये होगा कि भाई आप किसी साइकेट्रिस्ट पे जाते हो या फिर आप किसी काउंसलर के जाके मिलते हो और कहते हो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। उसने जो बताया वो आपको मैच होगा ऐसा नहीं है, बिकॉज हर एक के हालात अलग अलग होते हैं। और इसलिए यहाँ पे आ गया मेडिटेशन। ये पर्सन जो है वो अब शांति एंड जिसे कहते हैं कि ध्यान धारणा, जिसे कहते हैं कि मेडिटेशन स्पिरिचुअल अवेयरनेस, उसके ऊपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ गया मूड ऑन। देखो मूड ऑन का मतलब ये है कि बस उस मोमेंट पे मत रुकना, ठीक है। मान लो अगर आपके बीच बहुत बुरा पैचअप, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, बहुत बुरा, ठीक है, तो ये उस मोमेंट पे अटके नहीं है। आप अटके हुए हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोग मूव ऑन हो चुके हैं। अब आपको अगर लग रहा है कि कैसे मूव ऑन हो गए, तो देखो ये सिंपल सी लॉजिक आप समझ लीजिए। कोई जो गाड़ी है, मान लो ट्रैक्टर है, वो कहीं पे अटक गया। अब क्या वो हमेशा के लिए वहाँ पे रुकता है? नहीं, वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। बट कई बार जो ड्राइवर है उसके मन में रहता है कि भाई वो कितना गंदा वो गाड़ी फंसी थी, अब उसे डर लगता है जब वो कोई गड्ढा देखता है। बिल्कुल वही चीज़ है, मूव ऑन होना मतलब यह है कि भाई उस चीज़ को भुला देना। बट जब उसका असर कम नहीं होता तो हम वहीं पे स्टक रहते हैं, बार बार वही आदि परेशान करती हैं, हमारी लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। इनको नहीं पता कि भाई ये मूव ऑन हो भी चुके हैं या फिर बस बोल रहे हैं कि मैंने मूव ऑन कर लिया, है ना। कई लोग रील्स डालते हैं बट उनको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो ट्रू बोल रहे हैं या फिर बस बोलने के लिए बातें बोल रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो पैशन विद इन, ये आपके बारे में फील करते हैं, देयर इज अ पैशन जो है, एंड ये छुपाए नहीं छुपता। इसलिए मैंने कहा था कि दिल है जो कि मान नहीं रहा है, अगर ये दिल को मनवा भी नहीं रहे, बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी भावनाएं। वो अगर आ रही हैं बाहर, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपको मीठा पसंद है, किसी ने मीठा ला दिया, डेफिनेटली आपको महसूस हुआ कि मैं वो मीठा खाऊं, आप उसे रोक ही नहीं सकते। वही बात यहाँ पे है, वो आपके बारे में फील तो करते हैं बट कैसे बताया, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक कुछ इश्यूज आ रहे हैं। फर्स्ट तो फाइनेंशियल इश्यूज, सेकेंडली इनकी तरफ से इम्पेशेंस, एंड थर्ड जो इशू आ रहा है वो है कमिटमेंट का इशू, ठीक है। एंड इसलिए पर्सन जो है वो हमें इशूज़ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप